सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट में ये पूछा है कि बीएससी मैथमेटिक्स के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, किस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो मैं आज पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा कि बीएससी मैथमेटिक्स के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बीएससी मैथ्स के बाद आप बन सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर, एमबीए, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, सीए, बैंकर, टीचर, लेक्चरर, इकोनॉमिस्ट, एक्चुअरी, डाटा एनालिस्ट या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। तो मैं एक एक कर सभी पर बात करता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं एमसीए के बारे में। यदि आपका झुकाव कंप्यूटर की तरफ है और आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर बनकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं एमसीए। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि एमसीए के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट कौन से हैं, तो मैं बताता हूँ, इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो एमसीए करवाती है। उसमें से बेस्ट है जेएनयू, एनआईटीज, बीआईटी मिश्रा, बीएचयू और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज। टोटल 11 एनआईटीज है जो एमसीए का कोर्स करवाती है। ये है अगरतला, प्रयागराज, भोपाल, कालीकट, दुर्गापुर, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, रायपुर, सुरतकल, तिरुचिरापल्ली एंड वारंगल। एनआईटी में एडमिशन के लिए आपको देने होंगे एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी निम्स। यदि आपका झुकाव मैनेजमेंट की तरफ है तो आप एमबीए या पीजीडीएम कर सकते हैं। पीजीडीएम मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। लेकिन मेरा सुझाव है, यदि आप एमबीए करना चाहते हैं तो बेस्ट इंस्टीट्यूट से ही करें। आप आईआईएम, एफएमएस, आईआईटी से एमबीए कर सकते हैं। इसमें एडमिशन के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट क्रैक करना पड़ेगा। आप एक्सएलआरआई यानी जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको जेट क्रैक करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं एमबीए का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट होते हैं, उसी से आप एमबीए कीजिए। फिर नेक्स्ट आता है, आप एक्चुअरी का भी कोर्स कर सकते हैं। एक्चुअरी क्या होता है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। फिनांस एवं स्टैटिस्टिक्स पर आधारित साइंस को एक्चुअरियल साइंस कहते हैं। इसमें मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के मेथड को अप्लाई कर इन्वेस्टमेंट प्लान, पेंशन प्लान, इंश्योरेंस या फाइनेंस इंडस्ट्री में रिस्क का एनालिसिस किया जाता है। इंश्योरेंस, बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों में इस विषय का स्टडी करने वालों की मांग तेजी से बढ़ रही है। आप बीएससी मैथ्स के बाद मार्केट रिसर्च का भी कोर्स कर सकते हैं। कोई कंपनी अपना न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के पहले रणनीति बनाती है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड कैसे उत्पन्न की जाए। कंपनी इस बात पर भी गौर करती है उसके प्रोडक्ट का कंज्यूमर कौन होगा, महिला, पुरुष या बच्चे। कंपनी को किसी नए प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में फैलाने के लिए सबसे पहले विस्तृत डेटा इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है, जिसे अंजाम देते हैं मार्केट रिसर्चर। इसीलिए इस क्षेत्र में भी ब्राइट फ्यूचर है। बीएससी मैथ्स के बाद स्टूडेंट अपना करियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट में भी बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का काम होता है ट्रेडर्स, फंड मैनेजर्स और स्टॉक ब्रोकर्स को रिसर्च और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, ताकि वे अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर सके। यदि कोई स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए उसे सीपीटी यानी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। यदि कोई स्टूडेंट प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना चाहते हैं और वो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, सीजीएल, पीओ, बैंक क्लर्क, रेलवे के लिए वो एलिजिबल है। यदि कोई स्कूल टीचर बनने की इच्छा रखते हैं तो वो बीएड या प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग करके स्कूल टीचर बन सकते हैं।
अभी किन्हीं की इच्छा लेक्चर बनने की है तो वो एमएससी करने के बाद नेट क्वालिफाई करें। आप एमएससी आईआईटी से भी कर सकते हैं। कुछ आईआईटी एमएससी प्लस पीएचडी का इंटीग्रेटेड कोर्स भी करवाती है। आईआईटी से एमएससी करने के लिए आपको आईआईटी जैन क्रैक करना पड़ेगा। आप आईआईएससी बेंगलोर से भी एमएससी कर सकते हैं। यह साइंस के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इंडिया में और भी कई बढ़िया इंस्टीट्यूट है जहां से आप एमएससी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में लगभग सभी ऑप्शन पर चर्चा किया हूं। कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं जिसको आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।